और आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका। आज लगभग 2 महीने बाद जो है एक आम आदमी को राहत मिली है। लगभग 2 महीने बाद जो है मेटाडोर चली है और एक आम आदमी के लिए ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसान हो चुका है। जबसे कोरोना का शुरुआत हुई थी तो कुछ ऑर्डर्स निकाले गए थे, ऑर्डर था कि अब मेटाडोर जो है उसके 50% बताई जाएगा। जताएगी हम लोग जो है जब तक किराया नहीं बढ़ेगा हम लोग गाड़ियाँ जो है वो रोड पर नहीं उतारेंगे। लेकिन लोगों को परेशानी आने के बाद और अब वापस से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने लोगों पर दया दिखाई और उन्होंने वापस से मेटाडोर जो है वो चलानी शुरू कर दी ताकि लोगों को परेशानियाँ ना हो। क्योंकि अगर अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो रही है तो लोगों को अपने काम पर जो है वो जरूर जाना पड़ता है, तो ऐसे में लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक बैड माना जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जाएंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो मिलेगी। इसीलिए आज आम व्यक्ति जो है वो काफ़ी रोड पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मेटाडोर जो है वो शुरुआत हो गई है और मेटाडोर जो है उसे जम्मू के कहीं ना कहीं बैकबोन भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब चलता है पब्लिक से लोगों को भी पब्लिक को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो मिलती है। इसीलिए आज मेटाडोर जो है वो यहाँ पे चलानी शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर हम पब्लिक एरिया में जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि अभी तक कोविड के केसेस जो है वो आ रहे हैं, कोविड बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म नहीं हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को ही कुछ प्रिकॉशन जो है वो लेने हैं, प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने हैं। हर बार एडमिनिस्ट्रेशन से आपको एक एक चीज़ के लिए नहीं बताया जाएगा, जब से कोविड शुरुआत हुई है यही बताया जाता है कि आपको मास्क पहन के रखना है, अब डबल मास्क कर दिया गया है और उसके बाद आपको कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेनटेन करके रखनी है। तो आप लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप लोगों की रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को कन्वीनियंस के लिए ईजी हो आपके लिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करवा दिया गया है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसे मेंटेन कैसे करके रखना है ताकि दोबारा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है या गैदरिंग्स जो हैं वो कम ना हो जाए। क्योंकि कल जो है वो मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। जिस भी दूसरे जिससे व्यक्ति से बात करो उसका यही कहना होता है कि हमें आने जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रहा है और हर कोई व्यक्ति जो है वो ऑटो में जाना जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। चल गई और हमें यहाँ कहीं आने जाने में परेशानी जो है नहीं होंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेटाडोर सड़कों पर उतरी तो हैं लेकिन लोग जो हैं बहुत कम अभी मेटाडोर से जा रहे हैं क्योंकि लोगों में इस समय खुद भी डर है कि हम लोगों ने फिलहाल अभी घर पर रहना है और हमने ज़्यादा गाड़ी जो है वो नहीं कर दी है क्योंकि मेटाडोर से इसलिए आपने देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा लोगों की गाड़ी रहती है। तो ऐसे में लोगों ने इस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखना है ये लोगों पर डिपेंड करता है, इसलिए कम से कम लोग जो है वो बाहर खुशी जो है इन ट्रांसपोर्टर्स जो ओनर्स हैं उनके लिए हैं जो ये मेटाडोर चलाते हैं उनकी और जो उनके साथ में कंडक्टर होते हैं उनके लिए, क्योंकि लगभग 2 महीने से कोरोना चल रहा था और ये ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए थे जिससे उनके घर परिवार में जो है वो नहीं चला पा रहे थे। घर पर सभी का परिवार होता है, सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, तो इसीलिए लोगों को जो है अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले थे या चाहे वो इन ट्रांसपोर्ट का लाभ उठाने वाले थे, इन सब को जो है इसका फ़ायदा वापस से मिलता है। और अब आज से सारी मेटाडोर्स मैं नहीं कहूँगी कि सारी मेटाडोर्स देखी जा रही हैं, यहाँ पर यूजली काफ़ी ज़्यादा मेटाडोर्स का रश रहता था लेकिन आज जो है यहाँ पर बहुत कम से कम मेटाडोर्स देखी जा रही हैं, लेकिन लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल रहा है, लोग इसमें ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो आप लोग जो हैं
प्लीज सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें, सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो लें, ताकि आप लोगों को जो है किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल इनकी जो मांग है वो कितने समय तक पूरी होती है ये फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग आ रही है। पिछले साल में जब मेटाडोर बंद कर दी गई थी, प्रॉपर लॉकडाउन था, तब भी इन लोगों की डिमांड रही थी कि इनके प्राइसेस बढ़ाए जाए, तो लगभग 13% जो है वो बढ़ा भी दिया गया था। और उसके बाद जब नॉर्मल सब होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद जो है प्राइसेस वापस अपने नॉर्मल रेट पर आने शुरू हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से इस साल ऐसे हुआ है, फिर इनकी डिमांड है अगर 50% कैपेसिटी के साथ हम लोग मेटाडोर चलाएँगे तो हमें 50% जो है किराए की बढ़ोतरी भी करनी पड़ेगी। मेटाडोर चलेंगी तो किराया बढ़ेगा, तो इससे भी जो है आम आदमी को मार पड़ेगी, क्योंकि उसकी जेब पे असर पड़ेगा इस चीज़ का। अगर मेटाडोर से नहीं चलेंगी तब भी एक आम आदमी को जो है प्रॉब्लम होगी ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिलहाल अभी मेटाडोर जो है आज से चलनी शुरू होगी और आप सभी को इस चीज़ का लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेटाडोर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस हैं बोले, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और आप जो है इजीली ट्रैवल कर पाए। तो लास्ट तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा